तालुका के बर्नेर क्षेत्र में पिछले चार माह से अवैध रेत की ढलाई बिन दिक्कत करने वाली रेती माफियों को उप विभागीय पुलिस अधिकारी कदम मंडल अधिकारी लभानी ने हिरासत में लिया इस कार्रवाई से अवैध रेत की ढलाई करने वालों की हालत खस्ता हुई है राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सात पर अनेक गाँव से ट्रैक्टर से अवैध तरीके से हर रोज रात को रेत की ढलाई बिना दिक्कत शुरू है इस और महसूल सह पुलिस प्रशासन का भी दुर्लक्ष होता नजर आ रहा है हिंगन घाट विभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश कदम इन्हें अवैध रेत ढलाई की जानकारी मिली और उन्होंने कार्रवाई की वर्धा नदी के कुरन और हीरापुर घाट से रेती माफियों ने बाईस जनवरी की आधी रात हमेशा की तरह रेत भर कर खेड़ा में जाते वक्त गस्ती पर के उप विभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश कदम की टीम ने दोनों ट्रैक्टर का पीछा करके कार्रवाई की तो दूसरी कार्रवाई में के ट्रैक्टर मालिक हीरापुर घाट से अवैध रेत की ढलाई करते मंडल अधिकारी और टीम ने तड़के सुबह तीन के, के दरमियान इन रेती कार्रवाई की इसमें दो ट्रैक्टर वर्नेर पुलिस थाने में तो एक ट्रैक्टर तहसल कार्यालय में लगाया गया उक्त कार्रवाई से रेती माफियों का भट्टा बैठने की बात हो रही है बी न्यूज के लिए हिंगन घाट रवि यनोरकर की रिपोर्ट